इंडिया में काम करते हैं और बुलंदशहर से आते हैं, प्रभात जी जो कि LIC में काम कर रहे हैं और दरभंगा से आते हैं, और भानु जी जो कि BJMC कर रहे हैं हरदोई से आते हैं, का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारत माँ के वीर सपूतों अमर हुतात्माओं की याद में ये कवि सम्मेलन का यहाँ का आयोजन किया है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। मैं अपने बीच में उपस्थित श्री विनय भूषण जैन जी जो वाराणसी से हैं, श्री राम अवतार तयाल जी जो कि शामली से हैं, और श्री अरुण पांडे जी नांदेड़ महाराष्ट्र से आते हैं, को नमन करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। हमारे बीच में पधारे हुए हैं और अपने सुभाषी से हम लोग को अभी सिंचित करेंगे, मार्ग प्रशस्त करेंगे आगे का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना यह कीमती समय दे रहे हैं। शुभम जी का स्वागत करता हूँ, शुभम जी विधायक। शुभम जी विधायक ये अयोध्या से आते हैं, अभी परिचय ये अपना काव्य पाठ यहाँ पे करेंगे। साथ ही ओम जी, ओम राय दादा जी जो कि सिटीजन ग्रेटर नोएडा में बहुत ही एक्टिव है, ग्रेटर नोएडा से ही आते हैं। राजा ठाकुर जी का स्वागत करता हूँ, जहांगीराबाद से आते हैं, ये भी अपना काव्य पाठ करेंगे, हमको हिंदुस्तान बसाना है। डॉक्टर राहुल जैन जी का स्वागत करता हूँ, सेवा फाउंडेशन में काम करते हैं, मंडी बाजौरा मध्य प्रदेश से आते हैं। और सीमा सारदा जी का स्वागत करता हूँ जो कि ग्रेटर नोएडा में ही BPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में कार्यरत है। मैं अपना परिचय करा देता हूँ, मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है, मैं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया से मैं PhD शोध कार्य कर रहा हूँ। साथ ही उपस्थित योग क्षेत्र से आने वाले अनुराग श्रीवास्तव जी का जो कि रायबरेली से आते हैं और इस टाइम कल रोटिया कॉलेज में DRP देख रहे हैं, काफी मैं स्वागत करता हूँ। कवि सम्मेलन का शुरुआत करते हैं, कविता के क्षेत्र में मैं बुलाना चाहता हूँ श्री शुभम जी विधायक जी को, कृपया आए, ये यहाँ पे सुनाएंगे मेरा देश मेरी इच्छा। आइए, स्वागत है।